दोस्तों, आधार कार्ड के बारे में हम सब जानते हैं और कई महीनों से आधार चर्चा में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है जिसका निकाल ये तय करेगा कि आधार को इस देश में कानूनी दर्जा मिलेगा कि नहीं और क्या आधार हमारे लिए सख्त किया जाएगा। सरकार कई सालों से ये कहती आ रही है कि आधार वो रास्ता है जिससे लोगों को राशन और बाकी सारे सब्सिडीज़ मिलेंगी और उसमें से जो सारे डुप्लीकेट होते हैं या उसमें जो भी धंधलेबाजी होती है वो निकाली जाएगी। और ये भी कहा जाता है कि आधार पे से काले पैसे पे और बेनामी बैंक अकाउंटों पे अंकुश कसा जाएगा। तो इस देश का नागरिक होने के चलते हमको इन सारे ही मुद्दों पर सवाल उठाने की ज़रूरत है, और क्योंकि ये पूरे देश को परिणाम करने वाला प्रोजेक्ट है तो इसके ऊपर सवाल उठाना लाजमी है। इन सब मुद्दों के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए आज डॉक्टर अनुपम सराफ हैं, जो पूरी दुनिया में इस तरह के बड़े और जटिल सिस्टम डिज़ाइन करते आ रहे हैं और कई सरकारों को इन्होंने सलाह दी है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। तो शुरू में तो हम जानना चाहेंगे कि जो आधार है, जिसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन कहा जा रहा है, मतलब एकमात्र पहचान पत्र, तो ये जो पहचान पत्र है वो क्या होता है और एक अच्छा पहचान पत्र का मतलब क्या होता है? सबसे आसान होगा समझने में कि हम अगर स्कूल का पहचान पत्र या कॉलेज का पहचान पत्र देखें तो वो पहचान पत्र जब दिया जाता है छात्रों को तो तभी स्कूल का प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होता है वो एक तरह जांच करता है कि ये छात्र हमारे स्कूल का, हमारे पाठशाला का, हमारे कॉलेज का है या नहीं, और उसको जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट दिया जाता है उस पे अपना सही और सिक्का लगा के वो सर्टिफिकेट या आइडेंटिफिकेशन कार्ड ये दिया जाता है। तो अच्छे कार्ड में तो दो तीन चीज़ें होती है। पहली तो ये जो ऑफिसर्स सिग्नेचर करता है वो ठीक तरह से वेरीफाई कर लेता है कि ये छात्र हमारा है। दूसरी बात ये है कि वो एक तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम जिम्मेदारी कहेंगे, तो ये जिम्मेदारी लेता है कि ये मैंने खुद वेरीफाई किया है और ये हमारा ही छात्र है। ये आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट देने के बाद ये आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट उसी स्कूल में चलेगा, ये तो सारी जगह नहीं चलेगा, क्योंकि वो स्कूल को पता है कि वो जेन्युइन है या फेक है, ये जो डॉक्यूमेंट दिया है इन्होंने ही दिया हुआ है या नहीं है, वो उसकी जांच कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो कार्ड लेके वो छात्र फिर स्कूल के सारे जो क्लास है, एग्जाम्स है, लाइब्रेरी है, इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो अच्छे कार्ड के लिए इस तरह की बेसिक जो ज़रूरत है वो है। आधार अगर देखा जाए तो आधार में इस तरह का कोई भी जिम्मेदारी लेने वाला कोई भी नहीं है। तो किसी ने भी जिम्मेदारी लेकर ना स्वाक्षरी की है वो आधार कार्ड पे, ना सिक्का डाला है कि ये जो इस पे ये नंबर जिसको दिया गया है वही वो आदमी है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया था, और यही वो है। ये जो जिम्मेदारी लेनी है, ये जिम्मेदारी तो कोई लेता नहीं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। स्कूल का कार्ड भी बहुत अच्छा, मगर ये जो नेशनली दिया गया हुआ आधार नंबर है इसमें किसी ने भी जिम्मेदारी, कोई भी जिम्मेदारी ली नहीं है। इसके मुकाबले जो बाकी हमारे सारे दस्तावेज है जो राष्ट्रीय लेवल पे दिए जाते हैं, जैसे पासपोर्ट है या राज्य के लेवल पे राशन कार्ड है, उसमें और आधार में क्या फ़र्क है? तो आप अगर देखें तो इलेक्शन कार्ड जो है, राशन कार्ड जो है, ड्राइवर्स लाइसेंस जो है, पासपोर्ट जो है,
सभी पे किसी तो किसी सरकारी अफसर की जिम्मेदारी होती है, उसकी स्वाक्षरी आप देखेंगे, उसका सील आप देखेंगे, और आप देखेंगे कि ये अफसर कहेंगे कि इससे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। आधार पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आधार नंबर अलॉट करती है, वो कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। तो किसी को किसी की पहचान की या किसी के इससे मिलने वाली कुछ राइट्स जो है, बेनिफिट्स जो है, सब्सिडीज जो है, उसकी भी जिम्मेदारी यूआईडीए नहीं ले रहा है। यूआईडीए कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब उसका पूरा अर्थ जो है, उसकी पूरी जो जरूरत है वही निकल जाती है। आधार की जो आधार का जो आधार ही है वही निकल जाता है। आधार में कुछ आधार ही नहीं है क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी लेता नहीं है। कोई भी जो सरकारी डॉक्यूमेंट रहता है उसमें जिम्मेदारी लेने वाले अफसर लोग होते हैं। आधार एक ही चीज है वहां जहां कोई भी सरकारी अफसर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। और आधार के संदर्भ में और एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, पुष्टिकरण, ऑथेंटिकेशन। तो पहचान और पुष्टिकरण में क्या फर्क है? आप तो सब जानते हैं कि चाबी लेकर हम ताला खोलते हैं, तो ताला चाबी का पुष्टिकरण करता है, पहचान नहीं करता, क्योंकि वो ताले को पता नहीं रहता है कि ये चाबी ये डुप्लीकेट है या असली है या किसके हाथ में है। तो चाबी लेकर जो अंदर चला गया वो तो मालिक नहीं बन गया। पुष्टिकरण से उसको मालिक अगर कहा जाए तो ये तो गलत बात होगी। जहां पहचान करना है, हर पहचान की जगह कोई ना कोई अफसर रहता है, कोई ना कोई आदमी रहता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि मैं इसकी पहचान करूं। और अगर वो गलत पहचान हो गई तो वो जिम्मेदारी लेने वाले को पकड़ा जाता है। तो ये पहचान करने में जिम्मेदारी और पहचान करने वाला अफसर, ये बहुत जरूरी होता है। आधार के मामले में कोई भी जिम्मेदारी लेने वाला अफसर, पहचान करने वाला अफसर जगह पे भी नहीं होता है। तो इसीलिए कहीं भी आधार का इस्तेमाल करना, जहाँ पहचान की जरूरत है वहाँ आधार का इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल ये तो अजब बात है। अगर जहाँ पहचान चाहिए वहाँ पुष्टिकरण कर दिया तो ये तो इसका मतलब वो प्रोसेस को करप्ट कर दिया, करप्शन हो गया वो प्रोसेस का। यही तो मैं कहूँगा। दूसरी बात आधार के बारे में है कि वो यूनिक आईडी है, मतलब वो एक व्यक्ति का एकमात्र आईडी है, मतलब एक नंबर होगा तो उसके पीछे एक ही व्यक्ति। तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं? ये तो सही नहीं है। इसके लिए दो चीजें हैं। अगर हर आधार नंबर एक ही के पीछे एक ही व्यक्ति होगी तो जब UIDAI को पूछा जाएगा कि आपके पूरे आधार के यादी में कितने बायोमेट्रिक ये यूनिक है, एकमात्र मतलब अंगूठों के निशान या आंखों के निशान कितने यूनिक है, ये अगर उनको पूछा तो उनके पास जवाब नहीं है। उनको अगर पूछा कितने नाम ये एकमात्र है, कितने एड्रेसेस पते एकमात्र है, कितने मोबाइल नंबर एकमात्र है, कितने ईमेल आईडी एकमात्र है, सवालों का जवाब नहीं है तो ये तो सीधी बात होती है कि ये आधार नंबर, एक आधार नंबर के पीछे एक ही व्यक्ति है ऐसा तो कह नहीं सकते, या व्यक्ति है या नहीं कह नहीं सकते। तो क्या इससे ये संभव है
कि आधार का इस्तेमाल करके ऐसे नंबर भी बने जा सकते हैं जिसके पीछे व्यक्ति नहीं है, जिसको उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल, उसको तो घोस्ट किया कहा जा, भूत ओके कहा जा सकता है। तो जो घोस्ट आधार नंबर जो है, इसके पीछे तो कोई रियल आदमी नहीं होता है, कभी कभी डुप्लीकेट भी बनाए जा सकते हैं। तो ये कैसे बनाए जा सकते हैं? तो कहीं पर कई लोग कहते हैं कि नहीं, बायोमेट्रिक तो यूनिक है, मगर अगर यूआईडीआई को पूछा गया कि देखो, अगर तुम्हारे मशीन में हमने बायोमेट्रिक से क्वेरी की, मतलब सवाल पूछा बायोमेट्रिक देकर, तो वो बायोमेट्रिक का यूनिक रिकॉर्ड, एकमात्र रिकॉर्ड आ जाएगा या काफ़ी सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे? तो उनका जवाब सीधा है कि काफ़ी सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, एक रिकॉर्ड नहीं आ सकता है। अगर एक रिकॉर्ड आ सकता तो आपको नंबर देने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। सही बात, आपका बायोमेट्रिक इस्तेमाल करके वो तो आपका रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। मगर वो तो बात नहीं है, वो वहां तक तो टेक्नोलॉजी पहुंची नहीं है और जा भी नहीं सकती, क्योंकि ये बायोमेट्रिक यूनिक नहीं रहते और वो बदलते भी हैं। जैसे हम बूढ़े बन जाते हैं, जैसे हम अलग अलग काम करते हैं, तो ये बायोमेट्रिक निकल जाते हैं, ये बदल भी जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बायोमेट्रिक से हम यूनिक रिकॉर्ड तो नहीं निकाल सकते। और ये जो भूत आधार है वो किस तरह बनाए जा सकते हैं? क्योंकि सरकार तो चेक करती है ना, आप कोई दस्तावेज देके आधार एनरोलमेंट करते हो तो फिर भूत आईडी कैसे बनेगी? बात ये है कि ये जो सारा एनरोलमेंट प्रोसेस है, इसका कभी किसी ने वेरिफिकेशन या ऑडिट, ये दोनों चीजों किए ही नहीं, मतलब जांच नहीं की है कि वो ठीक से हुआ है कि नहीं। तो आप जो कहते हैं कि यूनिक एकमात्र ही रहेगा, वो वेरीफाई करने के लिए अगर आपने जो फॉर्म भर लिया आधार एनरोलमेंट के लिए, वो लेकर कोई थर्ड पार्टी देखे कि आपने ही भरा है या नहीं, और आपने जो वहाँ फॉर्म में भरी हुई जो जानकारी, सारी जानकारी है और जो बायोमेट्रिक दिए है, वो आपके ही है या नहीं, ये वेरीफाई और ऑडिट करने के लिए कभी भी प्रयास हुआ नहीं है। तो ये अगर वेरीफाई नहीं किया तो घोस्ट बनाना तो काफी आसान है। और अगर आपने एनरोलमेंट प्रोसेस देखा तो इसमें तो घोस्ट बनाने के लिए ही बहुत स्कोप था, और वो जो मशीनरी है वो इतनी छोटी थी, तो घोस्ट बनाए बिना इतने सारे नंबर दे ही नहीं सकते। मतलब उस पर थोड़ा और बताएंगे? मतलब अगर आप देख लेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में 29 राज्य है, 707 जिले हैं, 6 लाख गांव है, 5,000 शहर बसे हुए हैं। तो इतना सारा व्याप, जो 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, है 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, ये हर एक आदमी के पास पहुंचने के लिए, हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक जिले के हर एक गांव में कोई तो एनरोलमेंट ऑपरेटर रहना चाहिए। वो एनरोलमेंट ऑपरेटर रखने के लिए कोई तो एजेंसी चाहिए। बिल्कुल। तो UIDAI ने 157 रजिस्ट्रार्स की नेमनुक की थी। तो ये इनमें से सिर्फ 20 रजिस्ट्रार्स ने जो एनरोलमेंट डेटा UIDAI को दिया, वो डेटा को 100 करोड़ नंबर दिए गए। तो 100 करोड़ नंबर सिर्फ 20 रजिस्ट्रारों से आए? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो अजीब बात है, अजीब बात है, ये तो कैसे पहुंच सकते 20 रजिस्ट्रार्स पूरे के पूरे 6 लाख गांव में, 5,000 शहरों में, 707 जिले में कैसे पहुंच सकते हैं?
तो ये तो पहुंच ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि कहीं तो शहरों में बैठ के, शहरों में कहीं तो एनरोलमेंट हो गया, काफी लोग समझते हैं अरे बगैर मेरा तो आधार है। बात सोचो कि अगर आप खाना खा सके इसका मतलब हिंदुस्तान में सबको खाना मिलता है, ये तो नहीं होता। अगर आप ठीक है इसका मतलब सब लोग ठीक है, ये तो नहीं होता। वैसे आपका कार्ड ठीक है इसका मतलब सारे कार्ड जो दिए हैं वो ठीक है, ये तो नहीं होता। तो इसमें बहुत सारे घोस्ट्स और डुप्लीकेट्स ये बनाए गए। इसमें से कुछ पकड़े गए हैं क्या? तो हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद जी, तो इन्होंने लोकसभा में बयान देते हुए कहा है कि 49,000 ये एनरोलमेंट ऑपरेटर को सस्पेंड किया गया। क्यों? क्योंकि वो घोस्ट और डुप्लीकेट बना रहे थे। तो ये तो 49,000 तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर है तो अगर आप देखें कि अगर हर एक ऑपरेटर ने प्रतिदिन 100 लोगों को एनरोल किया और उसको पकड़ने के लिए या समझने के लिए कि ये गलती कर रहा है 300 दिन तो चले गए, तो 300 × 100 × 49,000 तो इतने सारे आपने देखे तो वो तो 100 करोड़ बन जाते हैं। तो ये इतने सारे सस्पेक्ट हो गए, तो इनमें से अगर 10%, 20%, 50% अगर उन्होंने घोस्ट या डुप्लीकेट्स बना लिए होंगे तो कितना सारा नंबर। तो हमारा पूरा डेटाबेस जो है आधार का, उसका तो किसी इस्तेमाल के लायक ही नहीं रहा। वो इस्तेमाल के लायक ही नहीं है, ना गवर्नेंस के लिए, ना बैंकिंग के लिए, ना किसी और चीज के लिए। तो इसका इस्तेमाल करना ये तो बड़ी अजब बात है। आधार में अगर इस तरह के भूत अकाउंट मौजूद हो सकते हैं तो इसका बैंक के व्यवहारों पे क्या असर पड़ सकता है? आप अगर देखेंगे तो काफी दबाव के कारण जनवरी 2011 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आधार को केवाईसी समझने को राजी किया बैंकों में। तो आधार केवाईसी के तौर पे मान्य हो सकता है बैंक में? जनवरी 2011 से ये मान्य किया गया काफी दबाव में। तो फिर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा क्यों ना कह रहे थे? वो कह रहे थे कि देखो इसका इस्तेमाल ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के खिलाफ है। ये जो है ये बासल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं दुनिया में, या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो रहा उसके भी खिलाफ है। और कस्टमर अकाउंट्स, कस्टमर रिकॉर्ड्स रखने की जो उनकी कुछ स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स हैं उसके भी खिलाफ है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि ये इस्तेमाल नहीं करना। ये अगर इस्तेमाल किया तो बेनामी अकाउंट खोले जा सकते हैं। बेनामी अकाउंट मतलब जो जिसके नाम पे है वो तो अकाउंट को कंट्रोल नहीं करता है, कोई और कंट्रोल करता है अकाउंट को। और ऐसे अकाउंटों में मनी लॉन्ड्रिंग मतलब गलत तरह से मिला हुआ पैसा खेल सकता है, और गलत चीजों के लिए जैसे कि टेररिज्म और क्राइम, इसके लिए फाइनेंसिंग हो सकता है। तो इसीलिए उनका काफी कंसर्न था। जब भी उन्होंने जनवरी 2011 में ये रिस्ट्रिक्शंस डाले, उन्होंने कहा क्या कहा, केवाईसी को हम परमिशन दे रहे हैं क्योंकि दबाव हो गया, मगर फिर भी रिस्ट्रिक्शंस रखे। वो बोले कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में काफी रिस्ट्रिक्शंस है कि ये अकाउंट खोलेंगे तो बैंक ब्रांच मैनेजर के सामने खोलेंगे, ये ब्रांच मैनेजर इसको मॉनिटर करेगा, इसमें
पैसे का रिस्ट्रिक्शन होगा, मतलब 1 लाख या 2 लाख रुपए के से ज्यादा पैसे इसमें नहीं डाल सकते। ये अकाउंट हर 2 साल बंद करके नया खोलना होगा। अच्छा, तो काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, तो यूआईडीआई को ये तो रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं आए, तो यूआईडीआई फिर से प्रेशर दबाव डाल के फिर से उन्होंने काफी इसकी एक चालना चालू की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास ये सारा मामला लिया, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कस्टोडियन। तो वहां तब जो सेक्रेटरी थे उनके चेयरमैनशिप में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, वो मीटिंग में यूआईडीआई के तभी के डायरेक्टर जनरल आर एस शर्मा और बैंकों के काफी चेयरमैन और रिजर्व बैंक के कोई प्रतिनिधि ये मौजूद थे। तो इस मीटिंग में रिजर्व बैंक का कहना है कि हमने तो काफी विरोध किया, सवाल किए, मगर हमें कहा गया कि देखो ये करना ही होगा। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कहता है कि जो इसमें सारे लोगों ने एक मत से रखा कि आधार का इस्तेमाल करके केवाईसी के लिए जो अकाउंट बनाए जाएंगे उसके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे, और आधार नंबर अगर है तो बिना मौजूद हुए इन लोगों के बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। तो अगर किसी के पास भी आधार नंबर किसी और का है उसका अकाउंट बैंक में खोल सकते हैं बिना उस आदमी के जानकारी या उनका या उनकी सहमति के बिना। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप कहेंगे ये तो अजब है, ये नहीं हो सकता, मगर ये तो हुआ है और इसका तो बहुत बड़ा मामला हुआ था पिछले अक्टूबर में। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने 37 लाख बैंक अकाउंट्स बिना सहमति के बिना जानकारी के आधार नंबर के को इस्तेमाल किए हुए खोले, और इन अकाउंट में 170 करोड़ रुपए करीबन ये एलपीजी सब्सिडी के इसी में ट्रांसफर हो गए। मतलब किसी की जो एलपीजी सब्सिडी थी वो इसमें साइफन हो गई। तो ये जो क्लियर है कि सिर्फ अकाउंट ही नहीं खोल सकते मगर ये अकाउंट खोल के किसी और का पैसा इसमें साइफन हो सकता है, पार्क किया जा सकता है। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद ये आधार से खुले हुए जनधन अकाउंट में काफी सारे करोड़ों रुपए अचानक से आ गए। तो ये तो सिद्ध होता है इससे कि आधार का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन ये बहुत तेजी से चलता है और अनडिटेक्टेबल बन जाता है, जिसको हम आसानी से पहचान न सके इस तरह से चल सकता है। इसीलिए ये जो है ये जिसको फ्रॉड और क्राइम करना है वो आधार को आगे लेके जाना चाहते हैं। और जो बैंकों में जो भी कैशलेस या ऑनलाइन पेमेंट चलते हैं उसकी तो एक सिस्टम रहती है ना, तो आधार में ऐसे फ्रॉड कैसे हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करते वक्त आप में से जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किए है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का NEFT ये इस्तेमाल किया होगा। हाँ। तो ये NEFT में बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड, बैंक का जगह का कोड, ब्रांच का कोड ये देना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि ये पैसा किधर गया ये पूरी ट्रेस उसकी रह जाती है, और अगर गलती हुई है या मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है तो वो डिटेक्ट हो जाता है। 2011 में एक नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
इन्होंने आधार के को इस्तेमाल करके आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम बनाए, और उन्होंने कहा कि इस हमारी सिस्टम में आपको अकाउंट नंबर बोलने की जरूरत है नहीं, जिसको पैसा देना है उसका आधार नंबर ले लो और सिर्फ आधार नंबर को पैसा ट्रांसफर करो। तो आप तो थोड़े सोच से जानेंगे कि पैसा तो आधार नंबर पे कभी स्टोर नहीं हो सकता, खाते में ही जाएगा, तो खाते में ही जाएगा, तो खाता नंबर तो चाहिए चाहिए। तो इसीलिए जो प्रक्रिया चालू हो गई कि आप बैंक अकाउंट आधार नंबर से लिंक करो, तो जब आप आधार नंबर बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं तो बैंक ये नंबर, अकाउंट नंबर और आधार नंबर, ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि सरकारी कंपनी नहीं, जो कि सरकारी कंपनी नहीं है। और इनके पास वो दोनों नंबर जब आते हैं तो उनके पास एक रिकॉर्ड रहता है, उसमें वो आधार नंबर किस बैंक अकाउंट से एसोसिएटेड है, वो डेटा जो है उसके ऊपर ये जो बैंक अकाउंट का नंबर है वो लिखा जाता है। तो सोचो कि आज आपने आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में आधार नंबर लिंक कर दिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब ये सारी इंफॉर्मेशन ये नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दे देती है, तो वो आधार नंबर अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एसोसिएट हो गया। ठीक है, तो कल अगर किसी ने या आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अकाउंट को ये आधार नंबर लिंक कर दिया, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये डेटा ये नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दे देती है। अभी वो आधार नंबर बैंक ऑफ महाराष्ट्र से एसोसिएट हो गया और उसका पुराना नंबर गया, पुराना नंबर गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो अभी जो पैसा आएगा वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चला जाएगा। परसों अगर फिर से आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके वो आधार नंबर फिर से लिंक कर दिया, तो अभी फिर से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में वो आधार नंबर स्टेट बैंक से लिंक दिखेगा। तो बीच में जो पैसा आ गया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चला गया वो तो अनट्रेसेबल हो गया, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग ही हो गया ना। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग करने की पॉसिबिलिटी ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में बिल्ट इन है। तो यदि आधार एकमात्र आईडी नहीं है और इतने सारे भूत अकाउंट बन सकते हैं और हुए भी है, तो इसका बैंक के व्यवहारों पर क्या असर पड़ सकता है, किस तरह से इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, ये इसके बारे में थोड़ा बताएं। अगर बेनामी अकाउंट बन जाए, तो अगर घोस्ट आईडी है, मतलब ये आधार नंबर के पीछे कौन एक्चुअली, कोई भी रियल पर्सन, रियल आदमी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, तो इसका मतलब इसके ऊपर ये आधार से बनाया गया हुआ बैंक अकाउंट के पीछे भी कौन है ये हम पहचान नहीं सकते। और इसका मतलब ये जो बैंक अकाउंट बन गया वो बेनामी बैंक अकाउंट बन गया। बेनामी बैंक अकाउंट अगर बन गया तो इसमें जो पैसा आएगा और जिन कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा वो हम कह नहीं सकते। बेनामी अकाउंट बनाया जाता है वो नॉर्मली टेररिज्म और क्राइम के लिए बनाया जाता है, तो इसका मतलब टेररिज्म और क्राइम ये बढ़ सकता है, बढ़ जाता है जब बेनामी एनेबल करते हैं। तो आधार सिस्टम ये जो है, क्योंकि इसमें किसी ने सर्टिफिकेशन किया ही नहीं है किसी भी आईडी का, ये वेरिफिकेशन ऑफ डेटाबेस कि ये आधार डेटाबेस में कौन एक्चुअल आदमी इंसान एनरोल्ड है, इसका कभी ऑडिट हुआ नहीं है, तो इसका इस्तेमाल करना बैंक अकाउंट खोलने के लिए ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इससे बेनामी अकाउंट का फैलाव हिंदुस्तान में सारे इलाके में हो सकता है, और इसको फिर बेनामी अकाउंट ढूंढना और उसको निकालना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अकाउंट आधार के साथ मोबाइल फ़ोन भी जो लिंक हो रहा है,
और हम देखते हैं कि सारे ही जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार है पैसे के, उनमें मोबाइल फोन का एक बहुत बड़ा हाथ है, तो इस इन दोनों के नाते से क्या हो सकता है? आप देखेंगे कि काफी बार UIDAI के लोग कहते हैं कि आधार से आप बायोमेट्रिक है, इसीलिए आप अगर मौजूद नहीं है तो ट्रांजैक्शन हो नहीं सकती। मगर वो ये भी कहते हैं कि आप मोबाइल से OTP वन टाइम पासवर्ड लेकर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मगर अगर आधार नंबर से अगर नया सिम लेकर उस सिम पे OTP आ सकता है, तो बिना किसी के बायोमेट्रिक से उसके आधार लेके कहीं भी फाइनेंशियल व्यवहार ट्रांजैक्शन ये हो सकता है। तो इसीलिए ये जो फोर्सिंग चल रहा है कि आप मोबाइल से लिंक करो और आप बैंक अकाउंट से लिंक करो, ये जबरदस्ती जो है, जबरदस्ती क्यों है? अगर इसमें कुछ लोगों का फायदा या नेशनल इंटरेस्ट होगा तो इसकी जबरदस्ती करने की जरूरत है नहीं। और ये तो काफ़ी एग्जाम करने की ज़रूरत है कि क्यों ये जबरदस्ती हो रही है, जबरदस्ती। और इसका ये जो इतना लिंकेज खतरनाक है, तो इतना खतरनाक होने के बावजूद भी ये जबरदस्ती क्यों? किसने रिकमेंडेशन किया कि ये मोबाइल आधार और बैंक अकाउंट को लिंक किया जाए? ये लिंक करने से फाइनेंशियल व्यवहार कर सकें, ये रिकमेंडेशन जो है ये गलत रिकमेंडेशन है, क्योंकि इससे तो खतरनाक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन बढ़ जाए, मतलब काले पैसे का फैलाव जो कहा गया था कि नोटबंदी से वो रुकेगा, तो वो आधार के वजह से बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा, ये निस्संशय है कि ये बढ़ने ही वाला है। तो अंत में आधार से फायदा किसका है? तो आधार में दो कैटेगरीज के संस्थाएं या लोगों का फायदा हो सकता है। पहले जो है, जो आप जिसे आधार इकोसिस्टम कहा जाता है, तो आधार इकोसिस्टम में वो लोग मौजूद हैं जो UIDAI में थे और UIDAI के लिए काम कर रहे हैं या UIDAI से काम कर रहे हैं। और दूसरा जो है वो जो संस्थाएं जिनको डुप्लीकेट या घोस्ट डेटाबेस से उनके धंधे का वो ग्रोथ कर सकते हैं, तो वो दूसरा होता है। तो हम पहले जरा देख लेंगे कि जो आधार इकोसिस्टम क्या चीज़ है। तो आधार इकोसिस्टम में पहले तो आपने नंदन निलेकनी जी को देखा, तो वो UIDAI के चेयरमैन रहे हैं और उसी वक्त वो और अभी भी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी है, उनको आधार पेमेंट के बारे में सलाह दे। तो ये तो पूरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है। और उन्होंने काफ़ी सारे आधार पेमेंट्स के फाइनेंशियल स्टार्टअप्स को भी फाइनेंस किया है, वो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है। दूसरे जो है श्रीकांत नादमुनि, जो UIDAI में टेक्नोलॉजी के चीफ थे और वो खोसला लैब्स के CEO हैं। खोसला लैब्स ये आधार से UIDAI के डेटाबेस को कैसे, किस तरह क्वेरी कर उसकी उस डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जाए, उस डेटा का इस्तेमाल करने के लिए जो सॉल्यूशंस है उसके लिए सर्विसेज दे रहे हैं। और वो HDFC बैंक के बोर्ड पे भी मौजूद है। तो HDFC बैंक तो बैंकों में अहम रही जिन्होंने आधार के बारे में जबरदस्ती की उनके कस्टमर्स के ऊपर, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आता है। तीसरा जो है वो नचिकेत मोर, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड पे मौजूद है,
और वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कंट्री हेड भी है। और पेमेंट बैंक जो बनाई गई है, जो दुनिया में कहीं भी पेमेंट बैंक नहीं होती, तो वो रिपोर्ट के अध्यक्ष भी वो ही रहे हैं। और बिल गेट्स ने यूनाइटेड स्टेट्स में किसी कॉन्फ्रेंस में कई सालों पहले कहा है कि हमने भारत में पेमेंट्स बैंक लाई। तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो सामने आता है कि ये और मैंने ये जो तीन बताए ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इससे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये भारतीय बिजनेस में जो कि इकोसिस्टम में जुटे हुए हैं आधार के, इनमें लगा हुआ है। तो इनको आधार में बहुत बेनिफिट है, इसीलिए वो आधार चाहते हैं। दूसरा जो है वो जो जिनको सब्सिडी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से साइफन ऑफ करनी है, मतलब सरकारी पैसा जो वाकई जरूरतमंद लोगों को जाना चाहिए, आपका टैक्स का पैसा जो सरकार खाते में जमा हुआ है, वो टैक्स का पैसा जो जिन लोगों को जरूरत है उनको सब्सिडी के माध्यम से आना चाहिए, वो पैसा चुराने की के रास्ते जिनको चाहिए उन लोगों को आधार का फायदा है। तो इसीलिए वो आधार को चाहते हैं सब्सिडी बांटने के लिए, बेनिफिट बांटने के लिए, क्योंकि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का NEFT ऑलरेडी है तो वो उसकी इस्तेमाल बिना किए ये आधार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे क्लियर दिख रहा है कि किसी का इसमें फायदा है, किसी माफिया का इसमें फायदा है, ये सब्सिडी साइफन हो सकती है इस सिस्टम। दूसरा इसमें जो है कि जिनका काला धन है, जो काला धन को छुपाने के लिए बेनामी बैंक अकाउंट में छुपाना चाहते हैं, वो लोग आधार का इस्तेमाल करने में बहुत जुटे हुए हैं। और वो तो डीमोनेटाइजेशन के बाद जनधन में जिस तरह करोड़ों रुपए के डिपॉजिट्स जो हो गए, उससे तो साबित हो जाता है कि आधार से बनाए गए बैंक अकाउंटों में काला धन छुपाया जा सकता है। तो ये और तीसरा इसमें जो है कि जिनको टेरर फाइनेंस करना है, क्राइम फाइनेंस करना है, क्योंकि ये तो बेनामी बैंक अकाउंट होते हैं आधार से बनाए, हर तरह के काले धंधों के लिए, आतंकवाद के लिए और गुनाहों के लिए यूज किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दो कैटेगरी ऑफ लोग जो है इनको आधार में बेनिफिट है, इसीलिए वो आधार चाहते हैं। देश के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए आधार की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आधार नेशनल इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल, डेंजरस, खिलाफ है देश की सुरक्षा के, डेंजरस है, बिल्कुल खतरनाक है। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए और ये सारे मुद्दे समझाने के लिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि देश के लोग ये सवाल उठाएंगे और ये पूछेंगे कि जबकि ये साफ दिख रहा है कि आधार काले पैसे को रखने के लिए, टैक्स का पैसा चुराने के लिए, कॉरपोरेट्स को अलग अलग तरीके से फ़ायदे देने के लिए इस्तेमाल हो सकता है और उसका देश के लिए फ़ायदा नहीं हो सकता है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए वो खतरनाक हो सकता है, ये जानने के बाद हमारी उम्मीद है कि देश की जनता भी आधार का विरोध करेगी और सुप्रीम कोर्ट जो है वो देश की सुरक्षा को और देश के पैसे को ध्यान में रख के ऐसा निर्णय देंगे जिससे कि आधार सख्त नहीं किया जाएगा और जनता पे नहीं लादा जाएगा। धन्यवाद।